कल हमने जो स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े वाले यूट्यूबर ना हमारी स्टोरी को देख के गए हैं। तो अभी बज रहे हैं 12। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी आपने पीछे नोटिस किया होगा कि हमारा ब्लॉग चल रहा था जो हमने कल अपलोड किया है। दरअसल मैं क्या करता हूँ ना, एक बार अपनी ब्लॉग को ना चला के चेक कर लेता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। आप लोग भी हो जो हमें बता देते हो, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट करके बोलते हैं भाई आपने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया, तो आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि अगली बार इससे भी अच्छी ब्लॉग बनाएंगे। तो जाहिर ही बात है कि आप लोग बताओगे तभी तो हमको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। और हाँ, जो आप लोग लाइक करते हो ना, थैंक यू सो मच यार। मतलब धीरे धीरे आप लोगों का प्यार जो बढ़ते हैं ना हमारे ऊपर, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हर ब्लॉग में लगभग बोल देता हूँ कि आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि मन नहीं भरता ना ये सब बोल के। आप लोग हमें उतनी खुशी देते हो तो हमको भी चाहिए ना कि आपको रिटर्न में कुछ दूँ, तो हम बस थैंक यू के अलावा क्या दे सकते हैं। मतलब आप लोग जो हमें प्यार देते हो उसके लिए बस हम थैंक यू बोल सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो आप ना अपनी वीडियो को पहले रेंडर कर लो, जब वीडियो बना लो तब देखो, और एक बार ना यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद भी देखो। उससे क्या होता है ना, कभी कभी यूट्यूब में दिक्कत आ जाती है, कभी साउंड नहीं सही होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी वीडियो जल्दी प्ले नहीं होता, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ना आपकी वीडियो छोड़ के किसी और वीडियो पर चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने मिल रहा है तो आप वो वीडियो को तुरंत दोबारा अपलोड कीजिए, जिससे वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जब भी वीडियो आप देखते हो पहली बार तो नीचे ना कमेंट करके उसको पिन कर दिया करो, जिससे क्या होगा ना कि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा और भी ज़्यादा लोग ना आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जिससे आपका चैनल जल्दी ग्रो होने के चांस रहते हैं। अब मेरा अगर आप देखते हो वीडियो तो आपको हर वीडियो के नीचे मैं एक कमेंट करता हूँ, उसको पिन कर देता हूँ, जिससे क्या होता है टॉप में रहता है, और जब भी कोई आता है तो उसके नीचे भी कमेंट कर सकता है और उसको भी आप बता सकते हैं कि कोई भी दिक्कत है परेशानी या फिर नहीं है। फिर वो सोचेगा कि भाई इसने भी तो कमेंट किया है, तो आपका कमेंट को लाइक भी कर देगा, आपकी वीडियो को भी लाइक कर देगा। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिक वाली बात होती है, आपको इसको वो नहीं है कि इससे आपका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होता है कि देखना जो भी चैनल है ना बड़े बड़े, अगर वो कमेंट करते हैं ना उनके नीचे देखना कितना उस कमेंट को लोग लाइक करे रहते हैं और उसके नीचे कितने सारे लोग कमेंट किए रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अभी क्या है, यहाँ पर हमारे कुछ कपड़े हैं जिसको हम इस्त्री करने वाले हैं, ये आप देख पाओगे टाइम लैप पे, तो फटाफट से इस्त्री कर लेते हैं। भाई साहब हमने इस्त्री तो कर लिए कपड़े, अब टाइम है नहाने का, क्योंकि ना अच्छा नहीं लग रहा, नहा लूँगा तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश महसूस करूँगा, तो फटाफट से नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम नहा चुके हैं, खा चुके हैं, एकदम रेडी हैं, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि अभी तक ड्यूटी नहीं लगी है, तो हम थोड़ा सा अपना काम निपटा लेंगे। क्या देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे ना 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया। अभी 90 हो चुके हैं हम लोग, तो इसके लिए आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन जिसने भी नहीं किया फटाफट से 100 पहुँचाओ, 100 होने के बाद ना फिर अलग हम लोग टारगेट रखेंगे। तो फटाफट से क्या करना है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। और एक अच्छी बात और बताऊं कि कल हमने जो स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े वाले यूट्यूबर ना हमारी स्टोरी को देख के गए हैं, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? मतलब बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपसे बड़ा क्रिएटर कोई भी अगर आपकी स्टोरी को या फिर कहीं पे भी फॉलो करता है, फिर एक बार चेकआउट भी कर लेता है ना चैनल, तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जिनकी वीडियो हम देख के इंस्पायर होते हैं और उसी तरह से अपना चैनल स्टार्ट करते हैं, तो हम कॉपी नहीं करते हैं, हम एक सोचते हैं कि हम उनके जैसा कुछ ऐसा करें ताकि हम अपना एक अलग इमेज बना सकें। तो मैं भी ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि उनकी कॉपी ना करके, मतलब उनसे इंस्पायर होकर हम एक अलग तरह से अपना इमेज बनाऊँ। तो अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो, वैसे तो पता नहीं, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो तो आप उनको टैग करो हर जगह ताकि उनको ये व्लॉग मिल जाए। तो आप लोग अगर विजिट करे हो ना हमारे चैनल पे तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे इंस्पिरेशन हो और हम आप ही लोगों की वीडियो देख के आगे आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ कर पाएँ। तो आप ऑडियंस हो जो हमें ऊपर पहुंचा सकते हो हर किसी को, तो आप ना ये वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और टैग करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो स्टोरी का ना डाल देंगे लिंक, आपके पास पहुंच जाएगा, और कोशिश ये करेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दें कि कौन कौन हमारी
इंस्टाग्राम स्टोरी को देखा था। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया तो जाके फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और टैग करना मत भूलना, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना उनको ना टैग कर देना। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप देख लेना कि किस किस ने आके हमारी स्टोरी को देखा था। तो बस आज का मोटिवेशन यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।